पहचाना है आपके सिना सर। कैसे हैं सर, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, नाइस। सर्दी का मजा ले रहे हैं? हाँ, आज थोड़ा दिन है, सर्दी का मजा ही है बस। हाँ, कुछ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है सर। वो आज आप बोल रहे थे कहीं आपका ब्रांच ऑफिस में कुछ प्रोग्राम है, कितने बजे का क्या होता है, एक बार फिर बता देंगे क्या? आज एक्चुअली स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस का मतलब है कि भाई जो आज का LIC का जो ब्रांच आपका 126 है वो स्टार्ट हुआ था आज का, तो स्थापना दिवस आज का है। और प्रोग्राम तो खैर वो थोड़ा चलेगा, बेसिक उसका टारगेट क्या है कि भाई हमारा जैसे भाई LIC का ब्रांच है तो न्यू बिजनेस का टारगेट रहता है कि भाई न्यू बिजनेस के अंदर न्यू पॉलिसीज वगैरह का हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो आज का जो टारगेट है वो पॉलिसी का टारगेट है। तो इसी वजह से आज के लिए स्पेशल एक वो ट्रॉफी भी दिया हुआ है कि 3 पॉलिसी आप करेंगे तो आपको स्पेशल ये वाला ट्रॉफी मिलेगा। अशोक स्तंभ वाला ना, अशोक स्तंभ वाला जो ट्रॉफी है आपने तो देखा ही हुआ है, आप तो आए थे ऑफिस में, आए थे तो आपने तो देखा था कि वो वाला ट्रॉफी क्या है, कैसे सर, है? कितने बजे है और क्या वहां पे आना अपेक्षित है क्या? नहीं नहीं आपका तो एक्चुअली एजेंसी पहले स्टार्ट हो तो उसके बाद हम इसके लिए आए ना, तो आपका तो सबसे पहले तो आज आपका आज आपका मिल जाएगा ना सर वो रिजल्ट? तो नहीं, रिजल्ट तो मिल जाएगा बिल्कुल, रिजल्ट के लिए तो मैंने BM को ऑलरेडी बोल दिया था, तो BM से आज दोबारा से कोऑर्डिनेट करके उसका वो रिजल्ट उनसे ले लेंगे, उसको अटैच करके आपके जो पेपर्स हैं डिवीजन ऑफिस के अंदर भिजवाने हैं, तो डिवीजन ऑफिस में आप मुझे बता दीजिए, मैं बाय हैंड भिजवा दूं, मतलब आप बाय हैंड लेना चाहेंगे और हैंड उसको ले जाना चाहेंगे या तो मैं उसको भिजवा दूं, पूरी कर दूंगा। डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, मैंने म्यूट का बटन दबा दिया है, तो एक्चुअली जितनी भी ऑनलाइन मीटिंग्स है उनका रूल ये होता है कि भाई हम जब भी जाएं तो कम से कम उसके अंदर अपना जो माइक है उसका ध्यान रखें, तो खैर कोई बात नहीं, नॉट ए प्रॉब्लम, मैंने उसको म्यूट कर दिया है, उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ये जो भी साथी हमारे शोर शराबा बैकग्राउंड का उनका आएगा तो वो तो सर ये हैजार्ड है, ये हजार्ड है। नहीं वो कोई बात नहीं, ये तो हम कर ही देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा बस वो 10-12 सेकंड का गैप रहेगा कि जैसे ही हमें पता लगेगा कि आवाज हो रही है से लेकर तब तक म्यूट करने के अंदर यही 8-10 सेकंड का गैप इसके अंदर रहता है। सुदामा जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग, सो सुदामा जी को भी गुड मॉर्निंग, और सुदामा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर आए बहुत आपको अच्छा लगा देखकर, तो सुदामा जी आप कुछ कहना चाहेंगे, यदि कहना चाहेंगे तो आप अपना माइक जो है उसको ऑन करने के बाद कह सकते हैं। अग्रवाल साहब का भी स्वागत है, अग्रवाल साहब आज हमारे पास आए हुए हैं, काफी लंबे समय के बाद आए हैं, काफी दिनों के बाद आए हैं, सो अग्रवाल साहब का भी स्वागत है। जी धन्यवाद जी, जी जी कैसे हाल चाल है अग्रवाल साहब आपके? ठीक है जनाब जी, बढ़िया। आज मैं 945 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो, 945। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज का जो ट्रॉफी का जो निकला हुआ है, आज का स्थापना दिवस की वजह से आज का जो ट्रॉफी जो आई हुई है वो 3 पॉलिसी पर आई हुई है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि तीसरा पॉलिसी भी आपका कोई ना कोई जरूर बनेगा, और ये वाला इसका फायदा क्या रहेगा कि भाई एक आपको अशोक स्तंभ का ट्रॉफी भी आपको मिल जाएगा, यादगार रहेगा कि भाई हाँ एक ये स्पेशल एक चीज आई थी, क्योंकि ट्रॉफी के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा होता है कि ये 3 पॉलिसी पे दे रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक यादगार रहता है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। और बताएं और कैसे चल रहा है अगर? हाँ जी जी बताएं, आप कुछ बोल रहे थे? समझ नहीं आया मुझे क्या। 3 कर देंगे, 1 कर देंगे उसकी आपके कैंसर वाली या तो जीवन आरोग्य, मैं कह रहा हूं 1 आरोग्य देंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आरोग्य, आरोग्य बहुत बढ़िया प्लान है, हाँ जीवन आरोग्य बहुत बढ़िया प्लान है, जीवन आरोग्य आरोग्य आरोग्य, हाँ जीवन आरोग्य बहुत हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बहुत ही शानदार प्लान है, कि हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा उसके अंदर कवर हो जाता है, तो ये उसके अंदर बहुत ही शानदार फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है बढ़िया, तो आपका ये वाला ट्रॉफी रहेगा। आपका कितने बजे रहेगा ऑफिस में आने का, कितने बजे ऑफिस में आने का रहेगा आज का?
मैं तकरीबन आ जाऊंगा 11 बजे कहेंगे आप, 11 बजे 10 बजे ठीक है मुलाकात 11 बजे जो भी आप कहेंगे ऑफिस में जी जी हाँ ठीक है बिल्कुल आप आएंगे तो उसके बाद मेरा रहेगा अप्रोक्सीमेटली 12 बजे का पहुंचने का, तो उसके बाद हम लोग मुलाकात करते हैं ऑफिस के अंदर और बाकी जी, इसके अलावा बताएं और क्या चल रहा है और कुछ खास? बस अभी तो मैं फ्लोर में लगा हुआ हूं इसलिए कर नहीं पा रहे ज्यादा, लेकिन एक आध दिन फ्री होते फिर तो बहुत बहुत बधाई आपको नए घर की, आपको बहुत बहुत बधाई हो और भगवान करे कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपका गृह प्रवेश हो, बढ़िया अच्छा लगेगा जी जी जी। और कोई साथी हमारे कुछ और बोलना चाहेंगे? सुदामा जी आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। शर्मा जी नमस्कार, शर्मा जी आपको आज तो आवाज आ रही होगी जी। जी सुदामा जी बताइए कैसे चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुदामा जी, कैसा चल रहा है बताइए? ठीक सर, सर आऊंगा मैं भी 12 बजे के आसपास, ठीक है? तो और बिल्कुल बढ़िया। तो सर ऑलरेडी दो पॉलिसी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं एक और भी हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ तीन पर है ये अशोक स्तंभ का ट्रॉफी या तो पैकेज का, यदि आप करना चाहें तो पैकेज भी आप कर सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा कुछ, हम टीम का जो पैकेज है ना भाई वो अलग मैंने बना के भी भेजा था आपको, अलग अलग तरीके के कई सारे पैकेजेस बनाकर भेजे थे, 2 पॉलिसी वाला पैकेज, 3 वाला, 5 वाला, ऐसा करके कई सारे अलग अलग पॉलिसीज के पैकेज मैंने आपको बना के भेजे थे। तो पैकेज का यही मकसद होता है कि क्लाइंट को इंडिविजुअल प्लान लेने की बजाय एक तो बेनिफिट ज्यादा मिल जाए, दूसरा है लोगों को अच्छा लगता है कभी कभी ना पैकेजेस के अंदर, यदि हम अच्छा पैकेज बनाकर देते हैं तो कस्टमर्स को अच्छा लगता है कि देखो इन्होंने अच्छी बढ़िया चीज बनाकर दी है। तो ये फायदा होता है पैकेज का, और फायदा उसका एक और फायदा होता है रिबेटिंग के अंदर, उसका फायदा होता है। अभी समझो आपने उसको पैकेज दिया कस्टमर का, अब वो दूसरे किसी और को उसने दिखा दिया कि भाई साहब मेरे को ये वाला पैकेज दे दो, तो दूसरे ना कई बार क्या होता है ऐसे पैकेजेस होते हैं कि दूसरा कोई और एजेंट किसी के पास लेकर गए ना, तो वो बता नहीं पाते कि इसके अंदर कौन कौन से प्लान मिक्स किए हैं। अच्छा पैकेज से क्या होता है अट्रैक्टिव बन जाता है, देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, कस्टमर को क्या लगता है ये बहुत ही शानदार चीज है, और जब वो उसको पसंद आ जाता है तो कस्टमर क्या करता है, वो कहता है जी भाई साहब ये वाला तो प्लान बहुत शानदार है, ये तो मुझे लेना ही है। अच्छा लेना तो है लेकिन इतने परसेंट डिस्काउंट दे दो, तो ये डिस्काउंट के अंदर हमको फायदा क्या होता है, हम उसको बोल सकते हैं भाई साहब ये पैकेज तो हमारे पास ही मिलेगा और कहीं तो मिल नहीं सकता। अच्छा इवन कई बार क्या होता है, कल शाम को देवेश रावत जी से मेरी रात को 11:30 बजे बात हो रही थी, तो उनका बॉम्बे से फोन आया हुआ था, कहते हैं कि देखो जी ये पैकेज जो है आदर्श मनी बैग, जो आदर्श मनी बैग मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा था ग्रुप में, तो फायदा क्या हुआ, उन्होंने किसी सतना में किसी ब्रांच मैनेजर से पूछ लिया, सतना मतलब मध्य प्रदेश, तो कि सर ये वाला पैकेज कौन सा है। अब कस्टमर ने बोला कि नहीं जी हम तो कराएंगे जी, वो हमारा जो साला है हम तो उससे कराएंगे, तो अब साले के साथ भी कराएंगे तो ठीक है भाई कराना ही पड़ेगा, अब क्या साले को क्या मना करें। तो अब दो चॉइस हो गई, कस्टमर ने दो बातें बोल दी, भाई या तो हम बीमा कराएंगे तो साले से कराएंगे, और अब ऐसे में हम क्या करें। तो देवेश जी बता रहे थे, कहते हैं मैंने क्या किया कि पैकेज ऐसा बना के दिया उसको कि वो अपने ब्रांच मैनेजर के पास लेके गया, ब्रांच मैनेजर ने कहा जी ऐसा कोई पैकेज एलआईसी में होता ही नहीं है, कस्टमर ने बता दिया उनको, देवेश जी को कहते हैं सर जी ब्रांच मैनेजर ने ऐसा बोला है। तो देवेश जी बता रहे थे, कहते हैं मैंने उनको ये बोला कि देखो भाई साहब सतना में मध्य प्रदेश में नहीं होता है, मेरी ब्रांच जो है बॉम्बे में है और बॉम्बे में सेंट्रल ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस वालों के लिए स्पेशल पैकेज अवेलेबल होते हैं, ये वाला जो पैकेज है सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है। कहते हैं भाई साहब मैं उससे 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 1,20,000 का चेक मैंने उठा लिया। अच्छा साले को भी नाराज नहीं कर सकते, तो साले का उन्होंने क्या काम किया, कहते हैं भाई साला बोलेगा जी मेरे से पॉलिसी नहीं करा रहे, दूसरे एजेंट से करा रहे हो, कहते भाई साहब एक छोटी सी उसको दे दो ना वो भी खुश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया एक छोटा सा पॉलिसी बना के, कहते कौन सी पॉलिसी दूं, मतलब छोटी सी, मतलब नॉलेज नहीं होने का कितना नुकसान होता है। मैं आपको ये बात क्यों कोट कर रहा हूं कि नॉलेज नहीं होने का इतना भयंकर नुकसान होता है। अभी उनके साले को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पैकेज बनाने की नॉलेज नहीं थी, प्लान की नॉलेज नहीं थी, उसको नुकसान हुआ, और नॉलेज थी इस वजह से देवेश जी ये वाला प्लान उसको बेच पाए। तो पैकेज
पैकेजेस का जानकारी जरूर रखें, कंपटीशन भी क्वालिफाई होने के अंदर आपको मदद मिलेगी। और LIC के अंदर भी देखो, आज के समय में आप यदि नोट करें तो पॉलिसीज को बढ़ावा दे रहे हैं, आपसे कोई नहीं कह रहा कि प्रीमियम बढ़ाओ, पॉलिसीज को बढ़ावा दे रहे हैं, पैकेजेस को बढ़ावा दे रहे हैं। नंबर तीन, यूलिप का शायद आपने बीच में नोटिस किया होगा, यूलिप के बारे में वो कह रहे हैं कि नहीं यूलिप को बढ़ाओ, तो यूलिप का थोड़ा सा बढ़ावा है। आजकल जो स्ट्रेस चल रहा है, आजकल जो भी कंपटीशन आ रहे हैं, सिर्फ इन तीन चीजों पर आ रहे हैं, और बाकी आप जो मर्जी करें, आपको तो सारे ही प्लान अवेलेबल हैं, आप जो मर्जी बेचें, आपकी इच्छा है। सो और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे पास दीपक शर्मा जी, नमस्कार। दीपक जी ने मथुरा से ज्वाइन किया है, तो दीपक जी का भी स्वागत है और दीपक जी को भी बधाई, उन्होंने भी पॉलिसी जो है आज स्थापना दिवस पर सेल करके लेकर आ रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग जो है आखिरी के हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, हमारा थोड़ी सी देर का मिलने का आज का था, तो आज का जो भी यदि आप कुछ बोलना चाहेंगे तो जरूर इसके बारे में बताएं। आज का तीन पॉलिसी का अशोक स्तंभ का कंपटीशन, ये तो आपको मालूम ही है कि वो तीन पॉलिसी पर है, उसके लिए कोई मिनिमम प्रीमियम नहीं है, कोई एवरेज प्रीमियम नहीं है, एक तो ये वाला अवेलेबल है, और 6 पॉलिसी पर ऑनरिंग रोल, जैसे वो यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, इस तरीके का एक ऑनरिंग रोल आपको मिलेगा और पूरा रिबन वगैरह लगा के उस पर, बहुत शानदार तरीके का है। और इसके अलावा ऑनरिंग बाय सीनियर डिवीजन मैनेजर, और यदि हम 12 करते हैं तो जोनल मैनेजर की तरफ से ऑनरिंग रहेगी किसी ना किसी टूरिस्ट स्पॉट पर। तो स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई भाई। पैकेज जो है वो उसका आसान तरीका है करने का, तो पैकेज के थ्रू तो हम इजीली कर ही सकते हैं, बाकी तो ठीक है। डिजिटल पॉलिसी आपके पास सारी की सारी अवेलेबल है। एक हमारे पास स्पेशल रिवाइवल कैंपेन आया हुआ है, तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, आप में से किसी ने स्पेशल रिवाइवल कैंपेन का फायदा लिया है क्या? स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के अंदर डिस्काउंट आपने लिया है क्या? और स्पेशल रिवाइवल कैंपेन है क्या, ये आपको यदि जानकारी है तो आप मुझे बताएं, नहीं जानकारी है और यदि आपका जानने का इच्छा है तो मैं आपको बता देता हूं। तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, या तो आखिरी के 2-3 मिनट बचे हैं, तो यदि आप चाहेंगे तो मैं स्पेशल कैंपेन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है, क्या कैसे कैसे रहेगा। है किसी को जानकारी? यदि जानकारी है तो अपना, यदि आपका माइक बंद है तो उसको ऑन करके आप बोल सकते हैं, और यदि जानकारी नहीं है तो उसका फायदा ये है कि स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के बारे में जो बाकी, इसका फायदा क्या है कि लेट फीस में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जब से ये स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, रिवाइवल मतलब पॉलिसी बंद हो गई है, तो बंद पॉलिसी को दोबारा से चालू कराने के लिए ये वाला स्पेशल रिवाइवल कैंपेन आया हुआ है। तो आप इसको बंद पॉलिसी को जब दोबारा चालू करेंगे तो आपको लेट फीस में डिस्काउंट मिलेगा, 2500 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। आपके पास जनवरी का टाइम है, फरवरी का टाइम है, मार्च का टाइम है, 6 मार्च तक अवेलेबल है। आपकी कोई पॉलिसियां बंद हैं क्या? सबसे पहले तो ये पता करें, सारी या तो एक कोई बंद भी है, या तो हमारी किसी कस्टमर की कोई पॉलिसी बंद है क्या? आपको इसका फायदा लेना है क्या? अच्छी बात है। तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन के बारे में हम लोग, आखिरी का हमारा थोड़ा सा मेरे ख्याल से 1 मिनट का टाइम है, तो हम स्पेशल रिवाइवल कैंपेन को देखते हैं कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं। वैसे तो लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। अपनी पॉलिसियां लैप्सेशन वाली जितनी भी है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। कस्टमर को पॉलिसी रिवाइव करने का ये वाला आसान तरीका है, जो हमारी बंद पॉलिसियां हैं। अच्छा, हो सकता है हमारी बंद पॉलिसियां ना हों, किसी और एजेंट की हों। आपको पता है एजेंसी कोड चेंज भी हो जाता है पॉलिसी के अंदर। यदि पिछले वाले एजेंट को रिन्यूअल कमीशन एंटाइटल्ड नहीं है, रिन्यूअल कमीशन यदि उनको एलिजिबल नहीं है कि आप रिन्यूअल कमीशन आपको मिलेगा, तो आप उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे जो एजेंसी कोड है इसमें रिवाइवल के टाइम पर आप इसमें एजेंसी कोड बदल के मेरा वाला एजेंसी कोड डाल दीजिए। तो ये वाली सुविधा आपके पास अवेलेबल है, आप इसको डलवा सकते हैं और रिवाइवल भी हो सकता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि यार मैं इसके लिए स्पेशल रिवाइवल के झंझट में क्यों पड़ूं, मुझे तो कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, आपकी बात ठीक है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब हम कस्टमर की मदद करते हैं, चाहे तो रिवाइवल के लिए चाहे किसी भी काम के लिए, तो कस्टमर को भी लगता है यार ये आदमी तो मेरी हेल्प कर रहा है, तो मेरे को इसको कुछ ना कुछ तो मेरे को भी करवाना चाहिए।
तो हम उसको बोलते हैं सर अच्छा ठीक है आप नया पॉलिसी करा लीजिए, तो वो कस्टमर कभी ना कभी मांग उसके मान जाने की संभावना रहती है। सो क्योंकि टाइम खत्म हो गया है तो इस वजह से इस टॉपिक को हम ज्यादा लंबा कवर नहीं करेंगे, तो हमें यहीं पर इसको फिलहाल के लिए बंद करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हो गया। सो आपको भी यदि अच्छा लगा तो आप हाथ आके बता सकते हैं, और यदि आपको सुबह सुबह मुलाकात करके बढ़िया लगा तो आप हाथ आके बता सकते हैं, और बहुत वेरी नाइस। आप जो है इसी तरह से बने रहिए, और आप यदि आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, छोटा सा हमारा मीटिंग था 15-16 मिनट का, तो आप यदि कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं अपना माइक ऑन करके, अदरवाइज दफ्तर में जिनका आने का है तो फिर दफ्तर के अंदर मुलाकात करते हैं। आज तो वैसे भी स्थापना दिवस है तो सुबह 8 बजे जो ब्रांच मैनेजर जो है उन्होंने बोला था आज सुबह 8 बजे दफ्तर खुल जाएगा। मेरे पास भी जो चेक BOC वाले थे मैंने उनका रसीद काट के दफ्तर के अंदर BOC काट के जो भी जिन जिन का BOC था उनको भेज दिया है। ग्रीन चैनल वाले तो चलो खैर ग्रीन चैनल के थ्रू हम करा लेंगे, लेकिन जो BOC वाले हैं वो भेज दिए हैं मैंने, तो जिन एजेंट्स के चेक थे उनका BOC काट के मैंने उनको भेज दिया है, तो भी उसका नंबर लग ही जाएगा। तो आज का आपका दफ्तर ऑलरेडी ओपन है और आपका स्वागत है, आप जब भी आए। सो दफ्तर के अंदर मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू, गुड डे, बाय बाय। आप यहाँ पर आए बहुत बहुत धन्यवाद, कल सुबह एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू।